स्वयं मंच की तरफ से श्रीमती कमला रानी आदर्श भारतीय विद्यालय में नगर निगम संयोजक के साथ ही स्वच्छता भारत स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता सेमिनार लगाया गया है, जिसके दौरान बच्चों और अध्यापकों को गंदगी न फैलाने और प्लास्टिक के दुष्कर्म के साथ ही इसके बारे में जानकारी दी है। चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर जानू जैसे विश्वविद्यालय जागरूकता करते हुए तमाम प्लास्टिक के लिफाफे का इस्तेमाल न करने पर ही प्लास्टिक 400 सालों तक की नहीं गलती, जिसके पर्यावरण के साथ ही चिंता का भविष्य रहता है। इसी प्रकार नगर निगम के आपोदा चले यहां पर कोऑर्डिनेटर मनप्रीत ने बताया है कि सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए, गीले कूड़े में हरे रंग के डस्टबिन में डालना चाहिए। इस मौके पर चीफ एडिटर जैसे सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए पठानकोट से जुगल किशोर की खास रिपोर्ट। आज सर्व धर्म मंच वालों एबी स्कूल विच स्वच्छ भारत के तहत अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त करने लई सेमिनार लगाया गया। सर्व धर्म मंच की जिहड़ी स्थापना है 2007 विच प्रधान सुरिंदरजीत भनोट ने की सी, उस दे तहत मैनू उनकी डैथ तो बाद मैनू प्रधान बनाया गया सी। अज म्युनिसिपल कारपोरेशन ने साडे नाल मिल के एबी कॉलेज के स्वच्छ भारत के तहत प्रोग्राम करवाया। अज असी सर्व धर्म मंच की सहायता के नाल एबी स्कूल के विच सैमीनार लगाया। इस सैमीनार जिहड़ा वा स्वच्छ भारत अभियान दे अधीन किया गया है, जिदे दे विच असी साफ सफाई बारे बच्चों को अवेयर किया है। इत्थे उन्हां नूं असी साफ सफाई बारे दस्या है कि आस पास साफ सफाई रखनी चाहीदी है, जे असी आस पास सफाई नहीं रखांगे तां असी जड़ियां बीमारियां दे विच घिर जावांगे। इस तों इलावा इन्हां नूं असी दस्या कि सुक्के ते गिल्ले कूड़े नूं वी अलग अलग रखना चाहीदा है। इह वी जा के अपने घरां दे विच अवेयर करन, अपने माँ बाप अपने मम्मी नूं इस बारे अवेयर करन कि जे आपां सुक्का ते गिल्ला कूड़ा अलग अलग रखांगे ते इहदे नाल गंदगी जिहड़ी घट जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस